फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में 19 और 20 जुलाई की करंट अफेयर्स शामिल हैं। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए और फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई वीडियो भी मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा, चर्चा में है राफेल का भारतीय वायुसेना में समावेशन होने जा रहा है। यानी भारतीय वायुसेना है, ये राफेल को अब एयरफोर्स में शामिल करने जा रही है। ये दो चरणों में होने वाला है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए, 5 राफेल लड़ाकू विमान हैं, ये जुलाई अंत तक भारत में आ जाएंगे और भारतीय वायुसेना में इनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसका किसी प्रकार से कोई मीडिया कवरेज नहीं होगा, मीडिया कवरेज ना करने की यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन अगस्त में जो दूसरी खेप आएगी उसके तहत ये कहा गया है कि उसका मीडिया कवरेज हम करेंगे। और इनकी जो तैनाती है वो की जाएगी अंबाला एयरबेस पर। अंबाला एयरबेस ये हरियाणा में है और यहाँ पर इनकी तैनाती की जाएगी। तो आपको याद रखना है, राफेल है ये बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम है दसाल्ट एविएशन। कमेंट करके फटाफट मुझे ये बता दीजिए, दसाल्ट एविएशन एक किस देश की कंपनी है। आगे बात करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसको लागू कर दिया गया है अब। और देखिए इसकी खास बात क्या क्या है, उससे पहले कमेंट करके मुझे फटाफट आप ये बताइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था इससे पहले? अभी ये जो हुआ है ये संशोधित है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये इसका नाम परिवर्तित हो गया है। बिकॉज अभी इसमें संशोधन कर दिया, तो ये नए जो संशोधन हुए हैं उसी साल जब ये 2019 में इस पर संशोधन हुआ है, तो इसी के नाम के साथ में इसके सामने 2019 लगा दिया। लेकिन ये मूल रूप से कब लागू हुआ था ये आप कमेंट करके बताइए। बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं 3-4। देखिए, पहली जो आपको जानना जरूरी भी है, क्योंकि हम एक उपभोक्ता हैं और एक उपभोक्ता को अपने जो अधिकार हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे, पहली विशेषता देखिए, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। यानी उपभोक्ताओं के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई कंपनी भ्रामक विज्ञापन जारी करती है जो कि तथ्यहीन है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का यहाँ पर प्रावधान है। दूसरा है, किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं देश में। उपभोक्ता जो हैं वो देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ऑनलाइन व टेलीको शॉपिंग जो कंपनियाँ हैं वो भी इनमें शामिल हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। पहले जो अधिनियम लगा था, पहले वाला जो अधिनियम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उस समय ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनी जो हैं उनका इतना यहाँ पर दबदबा नहीं था। लेकिन एट दिस मोमेंट अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगली और अंतिम पॉइंट इसका है, अगली जो खास बात वो है कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। कि अगर कोई भी कंपनी है वो खाद्य पदार्थों में मिलावट करती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जेल का प्रावधान भी इसमें किया गया है। आगे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके पूर्वोत्तर भारत से है, जोरम मेगा फूड पार्क ये खोला गया है मिजोरम में। इसका देखिए उद्घाटन किया है वर्चुअल रूप से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं अपने हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया वर्चुअल। और ये मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है, ये है जोरम मेगा फूड पार्क। और इसमें कहा गया है कि ये शुरू होने के बाद 5,000 युवाओं को रोजगार देगा और इससे लगभग 25,000 किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। उसके बाद आगे बात करूंगा, देखिए IBM के मुख्य अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं अरविंद कृष्णा हैं, ये IBM के मुख्य अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री ने इनको टेलीकॉलिंग करके यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाई भी दी है
और ये पहले IBM के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन अब बनाया गया है इनको ग्लोबल हेड ऑफ IBM, अरविंद कृष्णा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, बात करेंगे, चर्चा में रहा पीला कछुआ। पीला कछुआ कहाँ देखा गया है? ये देखा गया है अभी ओडिशा में, और ओडिशा में एक जगह है बालासोर। बालासोर में एक गांव है सुजानपुर गांव, और सुजानपुर गांव में इसको देखा गया है। तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए, ज़रूर नोट कर लेना, पीला कछुआ है ये ओडिशा के बालासोर के सुजानपुर गांव में देखा गया। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पीले मेंढक हाल ही में कहाँ पर देखे गए थे? ये मैंने अपने वीडियोज़ में कवर किया था, कमेंट करके फटाफट बताइए पीले मेंढक हैं वो कहाँ पर देखे गए थे, और जिनको कहा गया इंडियन बुलफ्रॉग, ये आपको हिंट दे देता हूँ, इंडियन बुलफ्रॉग कहा गया था। आगे बात करेंगे, देखिए मैंने भी इसको कवर किया है, चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट, इसमें कहा गया था, जो ग्लोबल न्यूज़ थी, ग्लोबल न्यूज़पेपर थे, उनमें भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट है, इससे भारत को बाहर कर दिया गया। लेकिन जो ईरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर इस बात का खंडन करते हुए साफ साफ कहा है कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल है, ईरान ने इसको बाहर नहीं किया है, ये वही लोगों की चाल है जो द्वेषपूर्ण नीति रखते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की खबरें फैलाई हैं। हालांकि इसके पीछे का एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि काफ़ी समय से ईरान और भारत के मध्य इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी, इस वजह से इस प्रकार की बातें हैं वो फैलाई गई। लेकिन यहाँ पर इसकी जानकारी ईरान ने खुद दी है कि चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट है वो भारत के सहयोग से ही पूर्ण किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार से कोई दोराय नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, वो जो मैंने वीडियो में कवर किया था उसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना कि चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से बाहर नहीं किया गया है भारत को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ICC T20 मेल्स जो वर्ल्ड कप था, होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, COVID-19 की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी नई डेट है उसकी निर्धारित नहीं की गई हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इतना याद रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था लेकिन इसको कर दिया कैंसिल। आगे बात करेंगे, डॉक्टर अमनपुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दुबई में भारत के नए वाणिज्यिक दूत बने हैं, दुबई में भारत के नए वाणिज्यिक दूत बने हैं। आगे बात करेंगे कोवैक्सीन, इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तृत चर्चा की है, लेकिन समय समय पर जैसे ही अपडेट आता है तो वो अपने करंट अफेयर्स में हम शामिल करते हैं। देखिए कोवैक्सीन की मैं बताऊं आपको, इसका जो निर्माण है वो किया है भारत बायोटेक हैदराबाद ने, भारत बायोटेक है ये, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसने इस वैक्सीन को बनाया है, और इसका एनिमल ट्रायल है वो कम्प्लीट हो चुका, ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू हो रहा है, और ये किया जाएगा 100 लोगों पर। पहला जो ह्यूमन ट्रायल है फर्स्ट फेज, इसमें 100 लोगों को शामिल किया जाएगा, और ये एम्स दिल्ली में शुरू होगा। इसके अंदर शामिल होंगे 18 से 55 वर्ष के मरीज, इनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करूँगा कुर्मा ऐप, कुर्मा ऐप है ये किससे संबंधित है? देखिए कछुओं के संरक्षण के लिए इस ऐप का अभी इसकी शुरुआत की गई, इसको लॉन्च कब किया गया था ये डेट इम्पोर्टेंट है, मई 2020 में एक दिन आता है विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, तो 23 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया, और अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है कुर्मा ऐप, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे फंगस हिमालयन व्याग्रा की, ये कहा जा रहा है कि सबसे महंगी फंगस है और लगभग 20 लाख इसकी रेट है, ठीक है। तो इसको देखिए चर्चा में क्यों है, IUCN हर साल UPSC भी इससे क्वेश्चन पूछता है, SSC वगैरह में तो छोड़िए, वहाँ तो पूछने की पूरी पूरी संभावना है कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है हिमालयन व्याग्रा, और ये सबसे महंगी फंगस है, तो ये आपको याद रखनी है। आज के सेशन में इतना ही, चलते चलते आपके लिए अभ्यास प्रश्न का जवाब आप मिनट में दीजिए, वेंकट चलैया आयोग का संबंध किससे है? पहला जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, OBC आरक्षण, या फिर कोविड वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन है इससे संबंधित है, या OBC आरक्षण से है, या महिला सशक्तिकरण से है, या फिर जनसंख्या नियंत्रण से, कमेंट करके इसका सही जवाब आप मुझे बताइए, और इसका सही जवाब भी आपको कमेंट में मिल